हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ, जिस तरह मैं आपके साथ में हमेशा लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में राजस्थान स्पेशल स्टफ मिर्ची या बेसन मिर्ची बोल सकते हैं आप, इसकी सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, और इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर एक टेबल स्पून जितना ऑयल गर्म कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें हम 1/4 टीस्पून ड्राई, आधा टीस्पून जितनी साबुदाना इसमें हम क्रश करके डालेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, और इसके अंदर हम आधा कप जितना लगभग बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद इसे हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि बेसन नीचे से लग नहीं जाए या जल नहीं जाए। और आज को हमें एकदम स्लो ही रखना है। इसे पकने में लगभग 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे या इसे चलाएंगे नहीं, तो बेसन जल जाएगा। तो इसलिए इसे लगातार चलाते हुए ही इस तरह से सेक ले थोड़ा सा। जब ये हल्का सा भुन जाएगा, तब इसके अंदर आपको हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी। अब इसमें हम एक चुटकी जितनी हींग, आधा टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून जितनी इसमें हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे। लाल मिर्ची इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। और आधा टीस्पून जितनी इसमें हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इस बेसन के अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैंने गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे, और इसे मैं एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी, ताकि ये कढ़ाई अभी भी गर्म है, नहीं तो इस पे ये जल जाएगा। इसलिए इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा बेसन तैयार ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये जो मिर्ची है इसे हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लगभग 150 ग्राम जितनी मोटी वाली हरी मिर्च ली है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। मिर्ची काफ़ी अलग अलग तरीके की आती है, पतली आती है, एक मीडियम साइज़ की आती है, ये मीडियम साइज़ की मिर्ची, तो हमें ये वाली मिर्ची नहीं लेनी है, हमें इससे मोटी वाली मिर्च लेनी है, ताकि जब इसमें हम स्टफ़ करें ना बेसन, तो काफ़ी अच्छा इसमें स्टफिंग बढ़ सके। ये मिर्ची हम मिर्ची बड़ों में भी यूज़ करते हैं। तो मिर्ची को हम इस तरह से धोकर पोंछकर मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें इस तरह से हम एक चीरा लगा लेंगे, और अगर आप चाहे तो इसमें से जो बीज है ना वो भी निकाल सकते हैं। वैसे ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो मैं इसमें से बीज नहीं निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम सारी मिर्ची को चीरा लगा लेंगे, और इसके बाद चीरा लगाने के बाद इसमें हम एक एक चुटकी जितना नमक इसमें इस तरह से छिड़क कर इसे पूरा फैला देंगे। इससे क्या होगा कि मिर्ची है ना फीकी नहीं लगेगी। अगर आप इसमें हल्का सा नमक नहीं लगाएंगे ना, तो मिर्ची एकदम फीकी फीकी और सब्जी खाने में टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी मिर्चियों को मैंने अंदर नमक लगा दिया है। उसके बाद ये जो हमारा भुना हुआ बेसन है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इसमें एक भी लम्स नहीं रखेंगे। इस तरह से हम इसका पूरा एक गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करेंगे। आपको इस तरह से इसे हथेली से इसके जो अंदर छोटे छोटे बॉल्स हो जाते हैं ना बेसन के, उसे इस तरह से आपको पूरे एकदम मैश करके तोड़ने हैं। इसमें आपको एक भी लम्प्स नहीं रखना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना के इसकी तैयार करनी है। तो इस तरह से आप इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके करेंगे, तो ये जल्दी से इसके अंदर जितने भी लम्प्स हैं वो सारे एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे। और इसमें हमें थोड़ा सा चख रही हूँ, क्योंकि अगर नमक आपको कम लगे तब अभी इसमें थोड़ा सा नमक और मिला लीजिए। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, तो मैंने इसमें अभी थोड़ा सा नमक और मिला दिया। और ये बेसन को आप ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा, जितना आप इसे थोड़ा नरम रखेंगे ना, उतना आपका नहीं स्टफिंग बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे हमें रनिंग टाइप का भी नहीं रखना है, यानी एकदम इस तरह से नहीं करना है कि जिस तरह से पूरा एकदम ऐसे बेसन गिर के बाहर आ जाए। इसे इसी तरह से गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है। और ये हमारा बेसन एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे हम इस तरह से पूरी स्टफिंग एक एक मिर्ची के अंदर भर लेंगे।
और यहाँ पे मैंने इस तरह से सारी मिर्चियों के अंदर ये भर लिया है। अगर आपका बेसन की जो ये स्टफिंग है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आप एक दो मिर्ची और कट कर लीजिए, उसमें नमक इस तरह से लगा के ये स्टफिंग इसमें भर दीजिए। ये मेरी थोड़ी स्टफिंग ज़्यादा हो गई तो मैं इस तरह से एक दो मिर्ची को और भी भर के तैयार कर रही हूँ। और ये जो बाकी का बेसन है उसे हम इसमें मिर्ची में डाल देंगे ना तो भी इसका बहुत ही अच्छा यानी टेस्ट आएगा। मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरह से। बाद में यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना इसमें मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें हम एक चुटकी भर जितनी हींग ऐड करेंगे। यहाँ पे इसमें हमें राई जीरा कुछ भी नहीं डालना है। और इसके बाद ये जो मिर्ची है एक एक करके हम इस तरह से मिर्ची को इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम तेल के अंदर इस तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमें एकदम स्लो ही रखनी है। और ये जो बेसन है ना इसे हम स्पून की सहायता से इस तरह से लेते हुए चारों साइड में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, क्योंकि जब ये बेसन पकेगा ना तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने को मिले और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधी गिलास इतना इसमें पानी भी ऐड कर दिया है ताकि जब ये बेसन पकेगा ना तो बहुत ही अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। और इसे मैंने ढक्कन लगा कर कम से 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे पका लिया था स्लो गैस पर। 5 से 7 मिनट के बाद इसे हम थोड़ा सा पलट लेंगे मिर्चियों को, और आप चाहे तो चाकू डाल के इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ये हल्की सी अभी तक कच्ची लग रही है तो मैं इसमें 5 मिनट इसे और भी पका लूँगी। 5 मिनट के बाद ये हमारी मिर्ची एकदम बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ में सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मिर्ची बनके तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती रहूंगी मैं आपके साथ में इसी तरह की नई रेसिपी।